अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वालेकुम मैम? अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाओ, कैसे हो? बिल्कुल ठीक मैम। ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस्टरडे वाज माय एग्जाम, आई एम डन डस्टेड एंड आई एम फ्री नाउ। एंड कैसे हुए आपके एग्जाम्स? या इट वाज फाइन, इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, अब आप हमारे एग्जाम्स में, हमें अपनी टेंशन हो रही है अपने एग्जाम्स की। तो अच्छी बात है ना, पढ़ो, सबको टेंशन होती है और हर कोई पढ़ता है, फिर ही तो मार्क्स आते हैं। नहीं, मैम, इस बार वेटेज फाइनल की बहुत ज्यादा हो गई है। वाइवा आप लेंगी या नहीं? हाँ जी, वाइवा तो होगा आपका, वो तो बहुत मैम, जरूरी होता है। हमें पता लगा था कि हमारा फाइनल एग्जाम होगा और वाइवा नहीं होगा टाइम की अच्छा, वजह पता है ये से। चीजें भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है? तो अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अभी बस आप लोगों को डेट शीट ईमेल हुई हुई है आपको? ईमेल यस डेट मैम, शीट? यस मैम। हाँ, बस अभी जो जो फाइनल एग्जाम में क्या होगा, कैसा होगा, वो भी डिसाइड होना है, ठीक है? ओके मैम। तो
So I cannot say anything right now. But अभी जो हमारा main objective है वो है sessionals का पूरा करना and lectures का. तो आज तो हम इंशाल्लाह दो lectures cover करने लगे हैं. वो वैसे ही छोटे-छोटे lectures हैं. ठीक है. And उसके बाद और उसके साथ साथ इंशाल्लाह I will send you an email के आप लोगों का मतलब sessional में क्या-क्या चीज included है. ठीक है. अभी तो हम लोग इंशाल्लाह वो क्लास पार्टिसिपेशन का कुछ देखते हैं. स्लोली एंड स्टेडली विद इन दिस मंथ आप लोगों के अप्रॉक्सिमेटली एक क्विज होपफुली या फिर आई विल लेट यू नो अकॉर्डिंग टू द वेडनेसडे. मैम नेक्स्ट वेडनेसडे से प्लीज करा दीजिएगा बिकॉज हमारे इस वीक में बहुत ज्यादा ऑलरेडी हुए हैं. बच्चे ये देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस तरह से नहीं होगा. मैंने आपको इसलिए डेज भी दिए थे एंड आई गेव यू अ रिलीफ एज वेल. ठीक है. तो नो मैं जिस दिन का कहूंगी सबको उस दिन देना पड़ेगा. जो नहीं देगा आई एम सॉरी. अच्छा दूसरी बात ये है कि अच्छा लास्ट लेक्चर हमने कौन सा पढ़ा था. लेक्चर नंबर मैम 17 पढ़ा था. लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था 17. ठीक है. तो टुडे वी विल बी कवरिंग लेक्चर नंबर 18 एंड 19. लेक्चर नंबर टोटल तो नहीं होगा क्योंकि काफी जल्दी होगा. टोटल ही होगा. क्यों टोटल नहीं होगा. किसने कहा है कम होगा. इसी वीक में आप लेंगी कोई टेस्ट वगैरह कोई सेशनल. बच्चे मैं आपको भी बताती हूँ. ठीक है. अभी मैं देखती हूँ पॉलिसी क्या है उसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ. ऑब्वियसली अगर तो क्विज लेना हुआ कुछ रिटन लाइक ऑनलाइन इस तरह का तो वो फिर नेक्स्ट वीक होगा. बट अगर कोई वाइवा वाला सीन है तो वो इंशाल्लाह इसी वीक ही होगा. ठीक है. और मैम लेक्चर्स भी बता दीजिएगा कितने होंगे वाइवा में हमारे. बच्चे भी सब्र कर लो. यू विल गेट एन ईमेल. ठीक है. तो कितने लेक्चर्स हैं उसके आएंगे. Okay, जी. So we start with. Can you guys see the screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, God. चलेंगे. Let's start with the lecture. Okay, जी. We will be studying anti-enginal drug. Okay. Let me just give you an overview what angina is. Angina is chest pain that is that lasts for less than 30 seconds. Okay. This is called angina. Any pain that lasts for more than 30 seconds that is known as heart attack or myocardial infarction. Okay. Ma'am, ye panic attacks resemble karte hain ya wo different hai? बच्चे पैनिक अटैक्स में और बाकी चीजें आती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिगर होगा कोई स्ट्रेस होगा उसके बाद पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है वो डिफरेंट चीज होती है. पैनिक अटैक इज नो वेयर नेट. जो एंजाइना की पेन होगी वो नॉर्मली 40+ लोगों में होती है जिनको डायबिटीज या हाइपर टेंशन या इस तरह की कोई चीज होती है. ठीक है.
सो एंजाइना पेन जो है वो 30 सेकेंड से कम होती है. ओके ओके आई मीन एंजाइना में इट इज द प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज. उन लोगों को जिन लोगों में ऑलरेडी ना अंडरलाइंग इस्कीमिया चल रहा होता है, उनके ब्लड वेसल्स आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड, डेफिनेटली उन्हीं में एंजाइना होगी. सो इट इज सडन सिवियर pressing substernal pain that radiates to the left shoulder along the flexor surface of the left arm. Okay? And it is precipitated by exercise, excitement or heavy meal. ठीक है, बहुत सडन पेन होती है एंड बहुत सवेयर होती है और आपकी नेक, जॉ या फिर लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है. ओके अब ये होती क्यों है? For example, this is the heart, okay? It has to pump blood out of the body. Ab heart ki blood supply, let's suppose ye coronary artery mein waise hi bana rahi hu, coronary artery block ho rahi hai, heart ko blood supply reduce ho rahi hai, to heart ki jo pumping ability hai wo kam ho jati hai. Theek hai? For example, if a person is exercising, so when you're exercising, to aapki jo oxygen demand of the body hai wo badh jati hai. Aur wo kaise puri hoti hai? वो पूरी होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब जब हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिल रहा तो वो आगे कैसे एफिशिएंटली ब्लड यू नो कॉन्ट्रैक्ट करके सप्लाई करेगा? तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर ये पेन स्टार्ट होती है. सो ऑक्सीजन डिमांड बॉडी में बढ़ गई है बट जो ऑक्सीजन सप्लाई है टू द बॉडी इट इज बींग इंटरप्टेड. ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, बट बेसिकली वर्क ऑन द हार्ट इंक्रीज होता है. ठीक है, लेट्स सपोज ये मसल है, मसल इज एक्सरसाइजिंग, अब उसको 100 ml ब्लड मिलना चाहिए 1 सेकेंड में, बट जो हार्ट है वो उसको लेट्स सपोज 50 ml ब्लड दे रहा है. ठीक है, तो जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, सप्लाई यहाँ से कम है. ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, बहुत एक्सेसिवली वर्क करेगा, बहुत एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर हार्ट में पेन होगी. ठीक है, मसल्स जब स्ट्रेच करते हैं, हार्ट मसल्स जो उसके फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं, जब वो स्ट्रेच करती हैं, सो दिस ऑल सिनेरियो लीड्स टू एंजाइना लाइक पेन. अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइना? There are, the first one is typical angina. ये बिल्कुल old age लोगों में होती है जिनके अंदर blood vessels already block हो रही होती हैं. ठीक है, atherosclerotic plaques बनने लगते हैं. ठीक है, एक time आएगा वो atherosclerotic plaque. अच्छा, अब heart attack कब होता है और angina कब होता है? जब blood vessel fully block हो जाती है फिर heart attack हो जाता है. ठीक है, myocardial infarction हो जाता है. जब ब्लड वेसल नैरो है लेकिन अभी फुली ब्लॉक नहीं है, इट इज पार्शियली ब्लॉक, कुछ ब्लड जा पा रहा है, सो देन एंजाइना होता है. ठीक है, अब जो टिपिकल एंजाइना वो ऐसे ही होगा कि एक पर्सन है ओल्ड लाइक 40 to 50s में है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है. ठीक है, तो अब उसके अंदर जब एक चेस्ट पेन होगी, ठीक है, व्हेन ही वाज एक्सरसाइजिंग या ही वाज वॉकिंग या व्हाटएवर, तो उसको पेन हो गई ये सारी. ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद एसटी डिप्रेशन ऑन ईसीजी. ओके, फिर एक होता है स्टेबल एंजाइना और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना वो होता है जो कि यू नो एक्सरसाइज पे होता है. ठीक है, और जो अनस्टेबल एंजाइना है वो होता है जो रेस्ट पे होता है. ठीक है, अच्छा, अब जो स्टेबल एंजाइना है, द मोस्ट कॉमन इज चेस्ट पेन कॉज्ड बाय टेम्पररी इनएडिक्वेसी. वही चीज जो मैंने बताई है, ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इज इनएडिक्वेट, इट इज रिड्यूस्ड. अंडरलाइन कॉज क्या होती है? ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज बाय एथेरोस्क्लेरोसिस. ये 1 to 15 minutes लास्ट करते हैं, ओवरऑल आपको कहना चाहिए लेस देन 30 minutes लास्ट करता है. एंड द स्टेबल एंजाइना कैन बी प्रोवोक्ड बाय एक्सरसाइज, बाय स्ट्रेस, कोल्ड, हीट, हैवी मेटल्स, एनीथिंग. ठीक है,
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होती है स्टेबल एंजाइना की, इफ अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज के दौरान ही उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, सो ये पर्सन जैसे ही रेस्ट करेगा ना इसकी पेन खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये स्टेबल एंजाइना. या फिर हम इसको नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट देंगे अंडर द टंग, ठीक है, वो भी रिलीव हो जाएगी. अभी नाइट्रोग्लिसरीन का क्या काम होता है, ये हार्ट है, इसको ये ब्लड सप्लाई, लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट और ये पार्शली ब्लॉक्ड हुई है. अब जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो वो क्या करेगी, इस ब्लड वेसल को डायलेट कर देगी. जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विल बी इंक्रीज, ठीक है, ये नाइट्रोग्लिसरीन है. बच्चों कैन यू गाइस हियर मी मैम? यस मैम. अच्छा जी, अनस्टेबल एंजाइना वो होता है, ना वो स्टेबल होता है ना वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, इन दोनों के बीच में एंजाइना जो होगा वो अनस्टेबल होगा. अब ये एंजाइना जो है ना इट इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, ठीक है, अ पर्सन व्हेन ही रेस्ट इसकी उसकी पेन खत्म नहीं होती एंजाइना की, ठीक है. अब हम इसको लाइज पैथोलॉजी क्या है वो देखते हैं. प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बस एसोसिएटेड विद रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बट विदाउट कंप्लीट ऑक्लूजन, ब्लड वेसल की कंप्लीट ऑक्लूजन नहीं होती इसमें, ठीक है. अब चेस्ट पेन्स अकर विद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन इंटेंसिटी. लेट सपोज एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना चेस्ट पेन होती है जब मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करता हूँ या वॉक करने जाता हूँ पेन, और जैसे ही मैं रेस्ट करता हूँ वो पेन खत्म हो जाता. ओके, आई विल से दिस इज स्टेबल एंजाइना. अब यही पेशेंट आया मेरे पास 6 months के बाद और कहता है डॉक्टर साहब अब ये पेन तो मुझे बैठे बैठे भी होना शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा देर तक रहती है और बहुत स्ट्रांग होती है. नाउ दिस अनस्टेबल एंजाइना हैज कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है. अब पेन की नेचर भी चेंज हो गई है, पेन की फ्रिक्वेंसी, पेन की ड्यूरेशन भी चेंज हो गई है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना. Any episode of rest angina longer than 20 minutes, any new onset angina, any increasing angina, or even sudden development of shortness of breath is suggestive of unstable angina. Pain ki kisi bhi tarah se nature change ho jaye, wo phir unstable ho jayega. The symptoms are not relieved by rest or nitroglycerin. Ye dusra difference hai. Jo stable angina tha, उसकी पेन लास्टेड 1 to 15 minutes, अनस्टेबल एंजाइना की पेन लास्टेड फॉर मोर देन 20 minutes. स्टेबल एंजाइना में रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन से पेन रिलीव हो जाती है, इधर ना रेस्ट पेन को रिलीव करता है या नाइट्रोग्लिसरीन पेन को रिलीव करता है, ठीक है. एंड दिस डेफिनेटली विल रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं एंड हम उसको फिर वहां पे एंटीकॉगुलेंट्स वगैरह और ये सारी चीजें. अच्छा, एक तीसरी फॉर्म ऑफ एंजाइना होती है प्रिंस मेटल एंजाइना, वेसोस्पैस्टिक एंजाइना, ये यंग लोगों में भी हो सकती है, ठीक है. ये क्या होते हैं, आपकी हार्ट की जो ब्लड वेसल है वो बिल्कुल ठीक है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है या बिल्कुल माइनर सी एथेरोस्क्लेरोसिस है, बहुत माइनर सी, ठीक है. ओवरऑल वेसल्स आर कंप्लीटली फाइन, बट क्या होता है इनकी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. क्या हो जाती है, लेट्स सपोज अगर वेसल ऐसे है ना तो उसका डायमीटर रिड्यूस होके वो स्पैज़म में चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो जब वो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसको हम कोरोनरी स्पैज़म कहते हैं, जब कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म में जाएंगी तो डेफिनेटली ब्लड फ्लो टू द हार्ट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है. तो इट इज एन अनकॉमन पैटर्न ऑफ एपिसोडिक एंजाइना दैट अकर्स एट रेस्ट एंड इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है. अब इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेसोडाइलेशन करवाते हैं. ओके जी. अच्छा, हम पेन इसमें रेस्ट पे ही होगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो सकती है, ठीक है, एंड इट इज सेकेंडरी टू वेसोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी वेसल, ठीक है.
फिर हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई के क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, मतलब एक हार्ट को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एक हो गया ब्लड प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर जो कॉरोनरी आर्टरीज में प्रेशर होता है, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ डायस्टली, ठीक है, बिकॉज जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब कॉरोनरी आर्टरीज ओपन होती है और उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तीसरा होता है कॉरोनरी बेड रेजिस्टेंस, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। अच्छा, जो इसके मेजर डिटर्मिनेंट्स में अगर आप देखो वॉल स्ट्रेस की बात करते हैं, एक जो नॉर्मल हार्ट है उसको एक कॉरोनरी आर्टरीज प्रॉपरली ब्लड सप्लाई कर रही है, बट अगर एक पेशेंट है जिसका हार्ट का मसल हाइपरट्रोफी कर गया, ठीक है, अब मसल की जो ये देखो थिकनेस है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जो कॉरोनरी आर्टरीज को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक तो आप देखो थिकनेस की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया हार्ट के अंदर भी, ठीक है, एंड दूसरा थिकनेस की वजह से जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं वो प्रॉपरली परफ्यूज नहीं कर सकती इस टिश्यू। ये रिलैक्सेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसको वैसे करने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है जी ट्रीटमेंट प्लान, हम इन पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट एंजाइना इज, ठीक है, और हम इन लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। हाउ डू वी ट्रीट देम, अब आप खुद सोचो, फिजियोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया है ये हार्ट है, ये कॉरोनरी वेसल है, और लेट सपोज ये मसल है। हार्ट जो ब्लड सप्लाई, जो कॉरोनरी आर्टरीज है वहां एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है, ठीक है, पार्शली ब्लॉक्ड है, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब हार्ट ने आगे ब्लड भेजना है मसल को, तो मसल को भी ब्लड कम पहुंच रहा है क्योंकि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, वो जो पावर है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी है, वो रिड्यूस हो गई है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ काम कर सकते हैं, ये जो प्लेग है ये बन क्यों रहा है इन पेशेंट्स में, उसके रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम उसको कहेंगे कि अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखो, ठीक है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है सो वी विल मेक श्योर कि ही इज कंप्लाइंट विद हिज मेडिकेशंस, और वो टाइम पे अपनी मेडिकेशंस ले रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे नहीं है बल्कि नॉर्मल है। If the patient is a smoker, we will definitely ask him to stop smoking. ठीक है? दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो ही चीजें आ सकती हैं, एक आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये दो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ what do you say for the treatment of angina, वो कैसे होता है, let's see। अच्छा जी, अब जो oxygen demand reduce करेंगे और oxygen supply increase करेंगे, उसमें हमारे पास nitrates और calcium channel blockers हैं। Nitrates जो होते हैं ये short acting होते हैं and they're also long acting, ठीक है, और calcium channel blockers हैं। जो oxygen demand को reduce करते हैं वो है beta blockers, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो आप, ये बेसिकली यू नो दिस इज द गाइडलाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। क्या है, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू विद एंजाइना, सबसे पहले हमने उसको सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन देनी है। हम उसको फॉरन से एक टैबलेट देंगे टू पुट अंडर हिज टंग, और वहां से डिजोल्व होके जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो वेसोडाइलेशन कराएंगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगी, दूसरा वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस कराती हैं, ठीक है, एंड उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस। उसके बाद हम डालते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आप लोगों को पता है क्या करता है, बीटा ब्लॉकर जो है बीटा वन रिसेप्टर का एंटेगनिस्ट है, ठीक है, एंड ये क्या करेगा,
ये हार्ट रेट रिड्यूस कराएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस कराएगा, ठीक है, ये सारी चीजें कराता है. इफ इन एडिक्वेट रिलीफ, अगर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ, फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डालते हैं या फिर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट डालते हैं. ठीक है, फिर भी पेशेंट नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम एंड में रिनोलाजिन डालेंगे. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स में वी हैव रैपिडली एक्टिंग नाइट्रेट्स, वी हैव लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट. जो रैपिडली एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं, दे आर यूज्ड टू टर्मिनेट एन एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना. ठीक है, इसमें वी हैव नाइट्रोग्लिसरिन और अमाइल नाइट्रेट. जैसे ही पेशेंट को एंजाइना हुआ, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, हमने उसको रिड्यूस करना है एंजाइना को. वी कॉल इट यू नो नाइट्रोग्लिसरिन और अमाइल नाइट्रेट्स यूज करते हैं. ये रैपिडली एक्टिंग होते हैं एंड दे आर गिवन सबलिंगुअली. लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स दे आर यूज टू प्रिवेंट एन अटैक ऑफ एंजाइना एंड उसमें आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड ओरली और टॉपिकली. जस्ट अ मिनट. ओके ओके जी, नाइट्रेट्स में आप देखो हमारे पास क्या क्या है. वी हैव नाइट्रोग्लिसरिन, वी हैव आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, वी हैव आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड दे आर इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइना. ठीक है, अब इनके क्या दो मेजर इफेक्ट क्या होते हैं. पहला इफेक्ट तो लाइक आई टोल्ड यू डायलिटेशन ऑफ द लार्ज वेन्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन पूलिंग ऑफ ब्लड एंड व्हिच डिमिनिशेस द प्रीलोड एंड रिड्यूसेस द वर्क ऑन द हार्ट. ठीक है, अब बच्चों देखो ऑक्सीजन जो डिमांड है ना बॉडी में वो इंक्रीज हुई भी है और हार्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई करना है. तो हार्ट क्या करे, हार्ट बहुत यू नो ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड वो जो वीना केवा से आता है और एओर्टा से वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है. ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो जो वीना केवा से आ रहा होता है वो प्री लोड होता है. ठीक है, अब जो हार्ट ने जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना है वो आफ्टर लोड होता है. ठीक है, अब जो प्री लोड है हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है. हार्ट को, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है, हमने उसको कम करना है. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी, जो लार्ज वेन्स हैं लेग्स में स्पेशली, वो उनकी डायलिटेशन हो जाती है एंड ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट इज रिड्यूस. ठीक है, तो ये प्री लोड भी रिड्यूस होगा, आफ्टर लोड भी रिड्यूस होगा एंड इट विल रिलीव वेसोस्पैज्म. ठीक है, दूसरा इसका मेजर इफेक्ट क्या होता है कि जो हार्ट को कोरोनरी वेसल्स है ना उनको भी डायलेट करता है. एक तो ये जो आपकी लॉन्ग वेन्स और लार्ज वेन्स ऑफ योर बॉडी है उनको इंक्रीज करेगा, डायलेट करेगा और जो कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट कर देगा. ऑब्वियसली ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज इंक्रीज, वेसोस्पैज्म रिलीव हो जाती है. ठीक है, ये जी उसका फिजियोलॉजिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये साइक्लिक जो जीएमपी है उसको इंक्रीज करता है. इट एक्टिवेट्स गुआनिलेट साइक्लेज. ठीक है, ये एंजाइम है, गुआनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है एंड गुआनिलेट साइक्लेज विल इंक्रीज द लेवल ऑफ जीएमपी. जो साइक्लिक जीएमपी है वो जो स्मूथ मसल्स में जो मायोसिन लाइट चेन होती है उनके फाइबर्स उनकी डीफॉस्फोरिलेशन कराता है एंड फाइनली लीड्स टू मसल रिलैक्सेशन. ठीक है, अच्छा फार्माकोकाइनेटिक क्या होते हैं. फार्माकोकाइनेटिक में इट हैज अ सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मतलब अगर हम इस ड्रग को ओरली लेंगे तो ऑलमोस्ट 80-90% को लिवर ही मेटाबोलाइज कर देते हैं. ठीक है, therefore it is common to take the drug either sublingually or via a transdermal patch. okay, ab time of onset could be 1 minute for nitroglycerin, matlab nitroglycerin 1 minute ke andar andar pain relief karti hai, or it could be 1 hour for isosorbide mononitrate. theek hai, isosorbide mononitrate owes its improved bioavailability and long duration of action to its stability against hepatic breakdown. oral isosorbide dinitrate undergoes denitration to 2 mononitrates and
both of which possess anti-anginal activity. मतलब जो dinitrate है वो दो mononitrates produce करता है, and दोनों mononitrates will then show their action. अच्छा, GTN है हमारे पास, sublingually spray की form में ले सकते हैं, and जो glycerol trinitrate है, as I already told you, एक minute के अंदर अंदर ये आपकी pain relief कर देता है, ठीक है? And इसका effect around 30 minutes तक last करता है. अब GTN की IV injections भी होते हैं और transdermal patches भी होते हैं. अच्छा, अब जो isosorbide mononitrate है, ये longer acting है. जब patient घट, जब हम उसको discharge करते हैं, तब हम उसको isosorbide mononitrate देते हैं. This is a longer acting preparation. ठीक है जी? अच्छा, अब nitrates का सबसे बड़ा जो side effect है, वो है headache. 30-60% of patients को headache होती है because of pronounced vasodilation. High doses can cause postural hypotension, flushing, and tachycardia. ठीक है, ये इसके side effects हैं. इसका जो route है, वो sublingual होता है, वो oral route होता है, intravenous route भी होता है, and topical route भी होता है. ठीक है, ये चारों routes अगर आपको बस नाम बताने चाहिए कि ये चारों routes हैं. Definitely इनके side effects भी पता होना चाहिए. सबसे important, more than 50% लोगों को throbbing headache होती है. Flushing of face हो सकता है, dizziness भी हो सकती है, postural hypotension भी हो सकती है. ठीक है, contraindications क्या हैं? Contraindications हैं जी renal ischemia. अगर blood flow to the kidneys किसी भी वजह से reduce हुआ है, तो उसके अंदर हम nitrates नहीं देते. Acute myocardial infarction में नहीं देते. Patients recovering from, patients receiving other antihypertensive agents, we do not give nitrate. ठीक है जी? So today's lecture में you should know what angina is. ठीक है? इसके कितनी types होती हैं angina की? Okay? And एंड इसकी मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं? आप सब लोग सो रहे हो बच्चों? नो मैम. तो ये नाइट्रेट्स. अच्छा, नाइट्रेट्स में यू गाइस शुड नो, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर नेक्स्ट लेक्चर. मैम, एंजाइना एंड इस्कीमिया सेम टर्म्स हैं. हां बच्चे, एंजाइना इस्कीमिया की वजह से होता है. इस्कीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, और जो एंजाइना होता है वो होता है पेन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो. ओके मैम. ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटा ब्लॉकर्स. मुझे बीटा ब्लॉकर्स में अपनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बीटा ब्लॉकर का क्या काम होता है. बीटा ब्लॉकर्स ने हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस करनी है. ठीक है, एक हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन डिमांड और एक हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, ये बेसिकली हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस करने की बात हो रही है. ऑब्वियसली जो कॉरोनरी वेसल्स हैं, जब वो पार्शली ब्लॉक्ड हैं, हार्ट फ्लो, यू नो, ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड, बट हार्ट कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा पंप कर रहा है ना ब्लड, तो हमने वही डिमांड ही रिड्यूस कर देंगे. हम हार्ट रेट रिड्यूस करेंगे, हार्ट को कहेंगे कि भाई आपको ऑलरेडी ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यू काम डाउन, तो हम उसको बीटा ब्लॉकर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब हम इल होते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी आर इल, हम बीमार होते हैं, तो हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं. हम काम नहीं कर सकते कुछ, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा बहुत तेज हुआ होता है, बट हम रेस्ट करते हैं. ठीक है, हमने अपनी बॉडी की जो ऑक्सीजन, वो वर्क की डिमांड है, वो हमने रिड्यूस की हुई है, एनर्जी डिमांड्स रिड्यूस की हुई होती है. इसी तरह हम हार्ट को भी क्या कहते हैं? वी गिव देम बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स विल रिड्यूस द हार्ट रेट, इट विल रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ठीक है, वर्कलोड ऑन द हार्ट रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ेगी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन रिड्यूस होगी. ठीक है, इस बीटा ब्लॉकर्स में आप लोगों ने पढ़े हुए, वी हैव एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल. ठीक है,
जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटोप्रोलॉल एंड एटेनोलॉल, इसमें हम वो प्रेफर करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जो हम देंगे इसके अंदर वो मेटोप्रोलॉल होगा या फिर एटेनोलॉल होगा, मतलब कार्डियो सेलेक्टिव देंगे। एजेंट्स विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल पेंडोलॉल, आर लेस इफेक्टिव एंड शुड बी अवॉइडेड इन एंजाइना। द डोज शुड बी ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ ओवर 5 to 10 days टू अवॉइड रीबाउंड एंजाइना। ये था जी बीटा ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आप लोगों को पता है बीटा वन रिसेप्टर्स को जाके इसने ब्लॉक करना होता है। बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक किया तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस होगी एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू हार्ट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सिस्टोलिक वॉल टेंशन, परफ्यूजन टाइम, ये सारी चीजें इसमें अफेक्ट होती हैं। ओके जी, बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली के जो हार्ट होता है जब हम नाइट्रेट्स देते हैं तो क्या होता है, नाइट्रेट्स ने करानी है वेजोडाइलेशन। ठीक है, ऐसे ही है ना, जब वेजोडाइलेशन होगी तो क्या होगा, लेट्स सपोज आपकी जो लॉन्ग वेन्स ऑफ द बॉडी हैं, जब उनके अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जब भी बॉडी में किसी भी जगह पे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा ना, तो हार्ट क्या करता है, पंप, जो इसकी पंपिंग कैपेसिटी है ज्यादा वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, ब्लड सप्लाई। हार्ट कहता है कि भाई ब्लड प्रेशर कम हुआ है, मैं जल्दी से ज्यादा ज्यादा ब्लड भेजता हूँ इन दैट आर्टरी और इन दैट वेन। ठीक है जी, ये होता है बेसिकली। तो अब आप खुद देखो, नाइट्रेट्स हम दे रहे हैं, एक अच्छा काम तो नाइट्रेट्स कर रहे हैं कि वो वेजोडाइलेशन करा रहे हैं, बट दूसरा एक जो काम वो कर रहा है वो बुरा काम कर रहा है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो हम फॉरन से इन पेशेंट्स को साथ ही बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, हार्ट रेट एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस करेगा। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो टैकीकार्डिया कराते हैं, ठीक है, लेकिन हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं बिकॉज हमें टैकीकार्डिया नहीं चाहिए, हमें हार्ट यू नो हार्ट का जो पंपिंग इफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट है, हमें रिड्यूस करना है, इसीलिए ये हम ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने पढ़ी हुई है, अस्थमा में, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। ओके जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ लिया हुआ है जब हमने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़े थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉज कोरोनरी वेजोडाइलेशन, सॉरी आर्टेरियल एंड वेजोडाइलेशन से ब्लड फ्लो टू द हार्ट विल बी इंक्रीज। ओके, एंड ऑल्टरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जब डाइलेशन होती है तो उसमें जो ब्लड रेजिस्टेंस कम हो जाती है एंड इट रिड्यूसेस After load. Okay, जी, calcium channel blockers का mechanism, जो blood vessel है, इसके अंदर ये जो calcium, जो smooth muscle की lining होती है, ठीक है, होता क्या है कि calcium channel blockers ने calcium influx को reduce करना है, जब calcium influx नहीं होता तो muscle relax कर जाता है, ये आपकी पुरानी physiology है, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या काम है, इट कॉजेस वेजोडाइलेशन एंड इट कॉजेस डिक्रीज इन द आफ्टरलोड। अच्छा, आफ्टरलोड क्या होता है, ये इट हैज टू पंप ब्लड इन एओर्टा, आगे एओर्टा से बाकी आर्टरीज निकलती हैं। जो आफ्टरलोड होता है वो होता है ब्लड प्रेशर इन, वो लोड जिसके अगेंस्ट हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको कहते हैं आफ्टरलोड। अगर ये देखो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120 है, जो कि नॉर्मली 120 होता है, हार्ट बड़े अच्छे से ब्लड पंप करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेट्स सपोज 60 हो गया, तो हार्ट
आपको बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू पंप ब्लड अगेंस्ट 160 ब्लड प्रेशर. तो अगर हम यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने से वेजोडाइलेशन रिड्यूस हो जाएगा. इसके अंदर हमारे पास वेरापामिल होता है, डिल्टियाजिम होता है, निफेडिपिन होता है, निफेडिपिन होता है वैसे यू नो फर्स्ट लाइन में हम निफेडिपिन ही देते हैं. स्ट्रॉन्ग होते हैं ये रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम कहते हैं, बिकॉज इन्होंने हार्ट रेट रिड्यूस करना होता है. सो दीज आर नोन एज रेट लिमिटिंग. इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर और वेरापामिल और डिल्टियाजिम को इकट्ठे कभी नहीं देते, बिकॉज इट कुड लीड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. ठीक है, डू रिमेम्बर दिस थिंग कि हम वेरापामिल, डिल्टियाजिम और बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी इकट्ठे नहीं देंगे, बिकॉज इट कैन, व्हाट विल इट डू, मैम ब्लॉक द हार्ट, ये इकट्ठे आपका जो हार्ट रेट है बहुत ज्यादा कम कर देंगे. डाइहाइड्रोपाइरिडीन एक ड्रग होती है, उसका डेरिवेटिव है निफेडिपिन. बिकॉज इट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इट विल लीड टू arteriolar vasodilation. ठीक है, तो निफेडिपिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का सबसे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो ब्लड वेसल के ऊपर. ठीक है, दे यूज इन वेरियंट एंजाइना कॉज बाय स्पॉन्टेनियस कोरोनरी स्पैज़म. ठीक है जी, अब इसमें निफेडिपिन के अलावा एम्लोडिपिन भी आता है, निकार्डिपिन भी आता है, फिलोडिपिन भी आता है. ठीक है, ये सारी डिफरेंट आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं. वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच आर नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव, जिसमें वेरापामिल आता है, जिसमें डिल्टियाजिम आता है. अब ये जो वेरापामिल और डिल्टियाजिम है ना, ये बेसिकली जो आपका एवी नोड है उसको रिड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये हमारा हार्ट है, हार्ट की एट्रिया में एसए नोड होता है, फिर यहाँ पे एवी नोड होता है, बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स एवी नोड होता है. ठीक है, अब एसए नोड पहले इलेक्ट्रिसिटी फायर करेगा इम्पल्सेस, जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे. फिर आफ्टर अ पॉज ऑफ 0.2 सेकंड्स, जब ये यू नो इम्पल्सेस एवी नोड के ऊपर आती हैं, फिर क्या होता है, एवी नोड से इम्पल्सेस निकलेंगी और फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ द एट्रिया. ठीक है, अब जो ये नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन है, दे आर बेसिकली ब्लॉकिंग द एवी नोड. अब आप खुद सोचो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, जब एवी नोड ब्लॉक होगा, ठीक है, तो हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली, ये कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, इट विल डिक्रीज द ऑक्सीजन अमाउंट. इसीलिए हम इन नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, ठीक है, बिकॉज दोनों का इफेक्ट सेम है. या आप ये कह लो कि हार्ट फेलियर में भी हम नहीं देते. अच्छा, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का सबसे जो गंदा साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अब जो नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन, देयर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना, हाइपरटेंशन या सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ठीक है, हम एंजाइना में दे सकते हैं वेरापामिल और डिल्टियाजिम, ठीक है, बट हम अगर साथ फिर बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते. ओके, अगर आपने साथ बीटा ब्लॉकर देना है तो फिर यू हैव टू गो फॉर डाइहाइड्रोपाइरिडीन, जिसमें एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन वगैरह आते हैं. चलें जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने आई टोल्ड यू क्या डिक्रीज करना होता है, आफ्टर लोड डिक्रीज करना होता है. आफ्टर लोड इज द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज दैट कम आफ्टर द हार्ट. फॉर एग्जाम्पल एओर्टा है हमारे पास, बट एओर्टा में इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, ये ज्यादातर आपकी जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं या आर्टेरियोल्स हैं उनको डायलेट करता है. ठीक है, एओर्टा में कम यू नो डायलेटेशन होती है. वर्कलोड डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी रिड्यूस हो गया. साइड इफेक्ट्स हैं जी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फ्लशिंग ऑफ द हार्ट, टेकिकार्डिया हो गया. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में हम नहीं देंगे.
हार्ट ऑलरेडी शॉक में है, हार्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो हम कैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं? रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट फेलियर में नहीं देते और एवी ब्लॉक में नहीं देते. क्यों? क्योंकि ये खुद एवी नोड को ब्लॉक करती है. ओके अच्छा, अब नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स हमेशा कॉम्बिनेशन में देते हैं. क्यों कॉम्बिनेशन में देते हैं? बिकॉज नाइट्रेट्स जो हैं दे लीड टू रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, तो इसको कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का देना जरूर है. और दूसरा इफेक्ट बीटा ब्लॉकर्स का क्या होता है? हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिविटी रिड्यूस करना, ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होना. ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स वही बात, दे ब्लॉक द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. ओके, एंड जो नाइट्रेट्स हैं वो वीनो डायलेशन कराते हैं. ठीक है, जो यू नो वीनो डायलेशन के बाद ऑब्वियसली वीनस कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. ठीक है, एंड प्री लोड ऑन द हार्ट इज रिड्यूस. फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स को इकट्ठा देते हैं. ठीक है, अब अगर पहले हम यू नो बेसिकली पेशेंट्स को नाइट्रेट्स देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, फिर हम पेशेंट को कहते हैं आपने अगर आपका यू नो इम्प्रूव नहीं हो रही कंडीशन तो प्लीज कम बैक टू अस, फिर हम उसको साथ यू नो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी डाल देते हैं. ठीक है, ये इस तरह से. अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड ये जो वेजोस्पेस्टिक एंजाइना होता है या प्रिंस मेटल एंजाइना होता है, उसके अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं. ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वेजोस्पेस्टिक एंजाइना क्या था, जिसके अंदर ब्लड वेस्टल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई भी है. ठीक है, ब्लड फ्लो टू द हार्ट जीरो हुआ है, रिड्यूस हुआ है बहुत. तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, क्या होगी, ब्लड वेस्टल डायलेट हो जाएगी, हैप्पीली ब्लड जाएगा हार्ट के पास. ओके जी, यस मैम. हाँ जी, सो नाइट्रेट्स रिड्यूस द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, वेयर एज कैल्शियम चैनल जो है दे रिड्यूस द आफ्टरलोड. हम ट्रिपल ड्रग्स उन लोगों में देते हैं व्हेन यू नो बहुत सेवेयर एंजाइना होता है और दो ड्रग्स आर नॉट इनफ टू कंट्रोल द एंजाइना. ठीक है, पेशेंट आपके पास आया, यू विल स्टार्ट विद नाइट्रेट एंड यू विल इंट्रोड्यूस ईदर अ बीटा ब्लॉकर और अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. लेट्स सपोज हम उसको नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स दे रहे, वो आया हमारे पास, वो कह रहे हैं मेरा तो यू नो एंजाइना बढ़ता जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड करें. ठीक है, ओके जी, रिनोलेजीन जो है इट इज अ न्यूअर एंटी एंजाइनल ड्रग, इट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, इट इनहिबिट्स द लेट फेज ऑफ सोडियम करंट, इंप्रूविंग द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन. इनहिबिशन ऑफ लेट सोडियम रिड्यूसेस इंट्रासेल्युलर सोडियम एंड कैल्शियम ओवरलोड, थेरबाय इंप्रूविंग डायस्टोलिक फंक्शन. ठीक है, ऑब्वियसली सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो अब सोडियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सोडियम इंपॉर्टेंट होता है डीपोलराइजेशन के लिए, सोडियम इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए. अब जब सोडियम चैनल ही ब्लॉक हो गया तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी. ठीक है, एंड यू नो द मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली हम रिड्यूस कर रहे हैं, बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. एंड इट कैन ऑल्सो प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल. ठीक है, ओके जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर? हाँ जी बच्चों, रेनोलोजिन. व्हाट इज इम्लोडिपिन? हेलो एवरीवन, व्हाट इज इम्लोडिपिन? बच्चों आप लोग सो रहे होते हो, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज की, एवरीबॉडी विल बी मार्क्ड एब्सेंट. व्हाट इज एम्लोडिपिन? एम्लोडिपिन डिल्टियाजम क्या होता है? एटेनोलॉल क्या होता है? मैम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर होता है. हाँ, और एम्लोडिपिन और डिल्टियाजम क्या होता है? एम्लोडिपिन होता है जी, हाँ, ये डाइहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. डिल्टियाजम जो है वो नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड इन स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना.
ठीक है, बट दे कैन बी यूज्ड इन वेसोस्पास्टिक एंजाइना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन? वो है वेसोस्पास्टिक एंजाइना. बाकी जो दो एंजाइना है उसके अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो सकती है. Which of the following is used during acute attack of angina? Nitroglycerin. सबसे पहले हम nitroglycerin use करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, thank you so much. The lecture is over now. बच्चे जो आपको ये जो दोनों lectures हैं, you guys should know the definition of angina, the types of angina, ठीक है, और पता होना चाहिए कि हम nitrates, beta blockers और calcium channel blockers देते हैं और इनका mechanism of action क्या होता है and their side effects, ठीक है. जैसे nitrates का common side effect है headaches, ठीक है, इसी तरह beta blockers के भी side effects होते हैं. beta blockers के तो हमने और calcium channel blockers के हमने detail में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जब हमने hypertension पढ़ी थी. Yes ma'am. Okay, now do you guys have any question? No ma'am. ma'am, no, जब ma'am. हमारा ये वाइवा या क्विज होगा तो उसकी वेटेज कितनी रखेंगे आप? बच्चे आपको मैंने पहले कहा डू नॉट आस्क मी दीज क्वेश्चंस. आप लोगों को समझ नहीं आती? जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं ये चीजें प्लान आउट करके आई विल गिव यू एन ईमेल, सेंड यू एन ईमेल. ओके, आज ही कर देंगे आप ईमेल? क्योंकि फिर मैंने शादी पे जाना तो किसी वजह से जाऊंगी कि अगर टेस्ट हुआ तो फिर नहीं जाऊंगी. आपने कब जाना है? इसी वीक जाना है, फ्राइडे को गाँव. ओके, आई विल सी. चलो ठीक है मैम, लेक्चर्स मेल कर दो 16 से ऑनवर्ड. ओके, मैं आपको ईमेल कर देती हूँ. मैम जो आपने किए मैंने उसमें से कुछ मिसिंग भी है तो इसलिए एक दफा सारे कर दीजिएगा. ओके चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो हो जाएगी आपके. मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी फिर ज्वाइन हुआ है. ओके, मैं चेक करूंगी, अगर आप हिस्ट्री में आ रही होगी तो हो जाएगी. अल्लाह हाफिज़. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.